पोगो 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 पोगो, तो जिस चीज का लोग इतने सालों से वेट कर रहे थे वो फाइनली ऑफिशियली बता दिया गया है कि वो आने वाला है, मतलब पोको F3 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियली सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो ऑफिशियली पोको ने जो इन्फॉर्मेशन बताई है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो यही है कि इसका नाम बताया कि पोको F3 GT इसका नाम होने वाला है। साथ में बताया कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 इसमें प्रोसेसर होने वाला है, जो कि आप बोल सकते हो स्नैपड्रैगन 870 के बराबर इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये 5G प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली बात है ये फ़ोन आपका 5G भी होने वाला है। और यहाँ पर आपका इसकी लॉन्च डेट जो है, लॉन्च डेट तो नहीं बोलना चाहूँगा, इसके मंथ वगैरह यहाँ पर कुछ कंफर्म कर दिया, मतलब ये बोला कि Q3 में लॉन्च होने वाला, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीने में कभी भी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है जुलाई या फिर अगस्त में ये लॉन्च हो जाएगा, ज़्यादा इसको नहीं खींचा जाएगा। और जैसे कि बताया कि इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर होने वाला है, तो अभी ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ था चाइना में, Redmi K40 गेमिंग एनहांस एडिशन, तो वही फ़ोन हो सकता है रीब्रांड होकर इंडिया में पोको F3 GT के नाम से आ जाए। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पोको F3 GT के पूरे स्पेसिफिकेशन डिटेल में पता चल जाएंगे। और मैंने पूरी टैक्स वगैरह लगाकर भी वहाँ पर प्राइस के यहाँ पर गैस करा था कितना प्राइस हो सकता है इंडिया में। तो यहाँ पर अब बात करूँ तो इसके स्पेसिफिकेशन जो हो सकते हैं ना, अभी देखो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro भी लॉन्च हुआ है चाइना में। इंडिया का Redmi Note 10 Pro और चाइना का Redmi Note 10 Pro बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों एक अलग फ़ोन है। तो वहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ करा गया था वो करा गया था MediaTek Dimensity 1100। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है ये फ़ोन जो है वो चाइना में जो Redmi K40 गेमिंग एनहांस एडिशन और Redmi Note 10 Pro इन दोनों का मिक्सचर बनाकर यहाँ पर इंडिया में लॉन्च करा जाएगा, या फिर हो सकता है कि प्योर Redmi K40 गेमिंग एनहांस एडिशन जो था उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए। अब ये देखो अलग बात है, इसमें पीछे का बैक पैनल थोड़ा डिज़ाइन करके देते हैं, आपको पता ही है पोको पूरा सा डिज़ाइन बाय पोको लिख देता है और पीछे का डिज़ाइन कलर वगैरह चेंज कर देता है, लेकिन अंदर की बॉडी हार्डवेयर सेम वही रहता है। तो मैंने दो पॉसिबिलिटीज़ बता दी, Redmi K40 गेमिंग एडिशन और यहाँ पर Redmi Note 10 Pro का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या फिर सिर्फ Redmi K40 गेमिंग एनहांस एडिशन का ही हार्डवेयर यूज़ करके इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अब स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाले इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले जो मिलने वाली है वो 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस की 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अब ये K40 वाला ही हुआ तो यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और मिक्सचर हुआ तो यहाँ पर LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, लेकिन 120 हर्ट्ज ये कन्फर्म्ड है। लेकिन मुझे लगता है भाई एमोलेड देंगे, क्योंकि अब Xiaomi के पास एमोलेड का भंडार हो चुका है, काफ़ी सस्ते में उसको मिलने लगी है। और यहाँ पर इसके जो कैमरा सेटअप होने वाला है वो बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, और बैटरी 5065 mAh की देखने को मिलेगी, और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर दे दे कॉस्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि भाई ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होने वाला है। और यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, Android 11 के साथ देखने को मिलेगा, और हो सकता है Poco UI के साथ देखने को मिल जाए, अदरवाइज MIUI 12.5 तो आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब इसकी प्राइस क्या हो सकती है, देखो प्राइस जो हो सकती है वो मुझे लग रहा है वो 25,000 के करीबन इसकी प्राइस हो सकती है। अभी Realme X7 Max भी लॉन्च होने वाला है, तो वो भी MediaTek Dimensity 1200 के साथ आने वाला फ़ोन, वो भी करीबन 25-26 या फिर 27,000 तक उसकी प्राइस होने वाली है। लेकिन ये फ़ोन जो है पोको वाला वो काफ़ी इसमें कॉस्ट कटिंग करेंगे और मार्जिन भी काफ़ी कम रखा जाएगा, तो ये 25,000 के करीबन हो सकता है। देखो मैंने पूरी चाइना के हिसाब से टैक्स वगैरह और यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी, यहाँ पर USD वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो जाकर आप देख लेना। फिलहाल आप पोको F3 GT के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।